बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नेहरू जी है। पाकिस्तान हमारा हिस्सा था ना, जब आजाद हुआ उसने बोला हम सेकुलर राष्ट्र बनाएंगे, आजाद हो जैसे ही अलग हुआ उसने सीधा क्या क्या बनाया, इस्लामिक राष्ट्र, तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई रोक सकता है रोक ले। कांग्रेस आदमी ने वहाँ पे पानी की कंपनी खोला किसान की जमीन पे, किसान ने अपना मुआवजा मांगने गया, रात को पुलिस वाले के बुला के लाठी, ऐसी लाठी चार्ज करवाया, बच्चे बच्चे को टांग हाथ तोड़वा दिया, लेडीज को भी मारा। ये देश 80 करोड़ हिंदुओं के उस पे चल रहा है, अगर जैन है ना तो अपने आप को दुर्गा और हनुमान को वो भी पूजते हैं, टीका वो भी लगाते हैं, वो मजार वालों के लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो सुनिए वक्त बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके बाद वक्त बोर्ड, ऐसे ऐसे संगठन कांग्रेस ने दिया जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल जो है वो बनाएगा इंडिया को श्रीलंका, फ्री फ्री फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री। केजरीवाल एक मिनट, केजरीवाल, अच्छा सुनो केजरीवाल, सुनो केजरीवाल, आपने कहा कि केजरीवाल यहाँ इंडिया को श्रीलंका बनाएगा, लेकिन मोदी ने अभी श्रीलंका से भी बुरा हाल कर दिया इंडिया का। श्रीलंका बुरा हाल कहीं श्रीलंका से नहीं, देख लो एक एक करके। ठीक है मैम, दूसरी जगह हर एक देश के तुलना में इंडिया का देख लो क्या मैडम आप। भाई का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद में जा रहा हूँ। भाई कह रहे हैं कि केजरीवाल जो, भाई एक सेकंड, भाई बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो श्रीलंका बना देंगे इंडिया को। अब यू मुझे ये बता दीजिए, कानपुर में जो दो माँ बेटे को जलाया है वो क्या है मैडम, बताइए वो क्या है? वो बहुत, वो सरकार अखिलेश यादव की है, बहुत एक दुखद हादसा है, लेकिन लेकिन उस पर मैं कानपुर का हूँ, वहाँ पर भाजपा नेताओं की इतनी गुंडाई बढ़ चुकी है, बुलडोजर बाबा की इतनी गुंडाई बढ़ चुकी है, फ्री का लाइसेंस दे, फ्री का अनाज दे के जवाब ले लो। बक्सर, सुनो, बक्सर जिला के अंदर में कांग्रेस आदमी ने वहाँ पे पानी की कंपनी खोला किसान की जमीन पे, किसान ने अपना मुआवजा मांगने गया, रात को पुलिस वाले के बुला के लाठी, ऐसी लाठी चार्ज करवाया, बच्चे बच्चे को टांग हाथ तोड़वा दिया, लेडीज को भी मारा। कांग्रेस वाले देखो मार रहे हैं, अब क्या बात कर रहे हैं हम, कोई नहीं मार रहे, कोई नहीं आ जाते ऐसे, ये जो कह रहे ना मार रहे ऐसे, ये खतरे में आ जाते, नहीं मार रहे, अब जवाब दीजिए मैडम। इन्होंने बता दिया बिहार में कांग्रेस की सरकार है, बच्चे भी इन्होंने बताया ना, आईडेक्स कमर पे लगाई थी इन्होंने, सुन लेते हैं सुनने की क्षमता रखो। बिहार में नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस मिला के वहाँ पे राजनीति, कांग्रेस नहीं है, आरजेडी, मोबाइल में देख, पूछे पागल है क्या? मेरे के चुनाव के बाद ही बौखला गए हैं, इनको ये नहीं पता कांग्रेस राज चल रहा है अभी। यार अभी मेरे ख्वाब में आया कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नेहरू जी है, ये सारे लोग अगर आपस में जो लड़ रहे हैं मैडम, ये सभी लोग आपस में लड़ने से बेहतर है कि देश हित में सोचे ना, कि जो भी पार्टियां अच्छी करें, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हो रही है, इनका कहना है कि बौखला गया, जो बढ़िया कर रहा है उसके साथ आप रहो, चाहे आपकी हो चाहे जो भी हो, फ्री का छोड़ दो, फ्री के पीछे अपने देश को नीचे ना ले जाओ बस। 20 राज्य में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस सिर्फ 4 राज्य में घबरा गया, कई छोटी मोटी हिंदू खतरे में है। एक और सवाल उठ रहा है, एक और सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग उठ रही है उस पर वो तो मैडम चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है प्रक्रिया हिंदू राष्ट्र की, बदले जा रहे हैं मैडम, तभी तो सही है बिल्कुल। एक मैं तो बदले गए मैडम, सीधी सी पहले से नाम बदले गए हैं, सीधी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र बन गया भारत, अच्छा बोलने दो बीच में नहीं, मैं मानता हूँ बन गया, ये जो बोल रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की कल्पना यहाँ से शुरू होती है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सुन लीजिए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो कल तक क्या नाम है टोपी पहन के इफ्तारी करते थे, आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के नाच रहे, बेकार की बात है, ये मैं कह रहा हूँ ये हिंदू राष्ट्र बन गया, मैं मानता हूँ बन गया, एक सेकंड
बोलने दो हिंदू राष्ट्र बन गया, मान लो ये है, ये बोलो मैं मानता हूँ। जय अच्छा जैन धर्म के लोग रहते इसमें, जैन धर्म पंथ नहीं धर्म, वो बेकार पंथ है, बोर्ड से निकली हुई एक, सुनिए बोर्ड नहीं देंगे, जैन धर्म रहता है वो हमारा उनके रीति। एक सेकंड में बताऊं, दो लाइन में खत्म की, दो लाइन में बोलने लगे, जैन धर्म में रहते हैं उनके रीति रिवाज हमसे लगे, वो मूर्ति के ऊपर उसी दिन संस्कार कर देते, उसी दिन साफ करें। सिख धर्म वो कहते हैं हम सिख धर्म में, बौद्ध वो अलग है, जैनी अलग है, मुस्लिम अलग, सारे धर्म के लोग रहते हैं ना, तो सब सर्वधर्म के राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? सुन ली संविधान में, सुनो ये देश, ये लड़वाट नहीं लगा, ये देश अरे सुन लो, ये देश 80 करोड़ हिंदुओं के उस पर चल रहा है, अगर जैन है ना तो अपने आप को दुर्गा और हनुमान को वो भी पूजते हैं, टीका वो भी लगाते हैं, वो मजार वालों के लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो सुनिए वक्त बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके बाद वक्त बोर्ड, ऐसे ऐसे संगठन कांग्रेस ने दिया जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक मिनट आप नहीं, ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है, रेलवे के बाद किसके प्रॉपर्टी, वक्त बोर्ड के पास है, दूसरे नंबर पे आता है भारत में, किसने दिया, कांग्रेस ने दिया, हिंदू मुसलमान किसने किया, कांग्रेस ने किया, पाकिस्तान किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, मैं बताता हूँ ना हिंदू मुसलमान भैया तुम बखला गए, सुनिए नेहरू की सरकारी थी, नेहरू और जिन्ना ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है। और सुनिए नरेंद्र मोदी जी उस टाइम में मोदी जी नहीं थे, भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और ये ध्यान रखिए जिसके कलकली बढ़ती है लगे, पर ये ध्यान रखिए अखंड हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये बताओ आप कह रहे हो, एक मिनट, आप ये कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हिंदू, और तकरीबन जहाँ भी आप जो भी स्टेट में देख लो, हाँ सब ये खतरे में वो पत्थर बात देहाती घटना, हिंदू खतरे में ना होता तो कानपुर देहाती घटना ना होती। अगर हिंदू खतरे में नहीं है तो फिर बार बार ये क्यों बोला जाता है कि हिंदू खतरे में हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, अगर नहीं है तो क्यों बताया? 57 देश मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं तब नहीं, पाकिस्तान आजाद होता है तो बनाता है। जो लोग मैं बताता हूँ, जो बोलते हैं हिंदू खतरे में, वो कुछ पेटीएम वाले लोग हैं, पेटीएम करो, सुनो मेरी बात, वहाँ कुछ 10-15 लोग यहाँ घूमते हैं, वो बोलते हैं उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको मैं क्लियर बता दूँ कुछ नहीं होने वाला। और सुनिए अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है ना, मैं सबसे पहले मैं साइन करता हूँ, और भी कम से 2,500 आदमी को मैं कराऊँ अलग अलग जिलों से। लेकिन आप ये जान लो कि हमारे सिख धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन है, सुन एक मिनट, बौद्धिस्ट है, उनको कहाँ लेके जाओगे, पहले क्लियर करो। अरे पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र बना है, वहाँ रहना कि नहीं रहना, वहाँ भी तेरा सब धर्म रहेगा, पाकिस्तान में भी तो हिंदू है। अभी तो हिंदू जो है ना, विरोध नहीं किया इस्लामिक राष्ट्र का, विरोध नहीं किया, पर हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे, इस्लामिक राष्ट्र भारत में आए, इस्लामिक राष्ट्र भारत में आए, क्यों करोगे? पाकिस्तान हमारा हिस्सा था ना, जब आजाद हुआ उसने बोला हम सेकुलर राष्ट्र बनाएंगे, आजाद हो जैसे ही अलग हुआ उसने सीधा क्या क्या बनाया, इस्लामिक राष्ट्र, तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई रोक सकता है, रोक ले।